तो देखो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन बनना मान के चलो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। यहां पर सिंपल सा मतलब है, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का बंद होना। लिक्विडेशन का मतलब क्या है? कंपनी का बंद होना। तो कोई भी बिजनेस जब बंद होता है, चाहे वो कंपनी हो या चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो सिंपल सा फंडा होता है, कंपनी क्या करती है? अपने सारे एसेट्स को बेचती है। उस एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा आएगा किसको पे करेगी? लायबिलिटी को पेमेंट करेगी। लायबिलिटी को भी पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच गया, वो उस पैसे पर किसका अधिकार होता है? ओनर्स का अधिकार होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करेगी कंपनी? पूरी एसेट्स को सेल करेगी। सेल करने से जो पैसा आएगा उसको किसका पेमेंट करेगी? लायबिलिटी करने के बाद जिसका उसके बाद और पैसा बच जाएगा ओनर्स को पेमेंट करेगी। आई बात समझ में? तो इस चैप्टर में भी बेसिकली अपने को यही काम करना है, एसेट्स को बेचना है। एसेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी लोगों का पेमेंट करना है। लायबिलिटी लोगों को पेमेंट करने के बाद जो बच गया पैसा उसका क्या करना है? ओनर्स लोगों को देना है। लेकिन अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं। और ये कंपनी है, कंपनी कंपनी मतलब समझते हो ना? कंपनी के केस में अब आपको अलग अलग शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमको चार अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दूसरा रिसीवर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तीसरा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, चौथा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जिसमें से ये और ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आता है तो इन दोनों से ही फ्रिक्वेंटली आता है, इन दोनों से आज तक सवाल नहीं आया है पेपर में आज तक। ठीक है, लेकिन मैं करा के चलूंगा। तो देखो, और हाँ, सेकेंड वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहला वाला टॉपिक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक नहीं पढ़े, पहला वाला नहीं पढ़े तो और सेकेंड वाला बन जाएगा, ऐसा नहीं है। करें स्टार्ट लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी का समापन, मतलब कंपनी बंद होना, कंपनी का एक कंपनी है जो अब क्या हो रही है? बंद हो रही है। एक कंपनी जो है वो क्या हो रही है? बंद हो रही है। देखो, जब भी कभी कोई कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले वो कंपनी क्या करेगी मालूम है? अपनी एसेट्स को बेचेगी। एसेट्स को क्या करेगी? बेचेगी, सेल करेगी। उन एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा आएगा उससे फिर कंपनी क्या करेगी? लायबिलिटीज को पे करेगी। इतनी बात समझ में आई? लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसके बाद किसको पेमेंट करेगी? ओनर्स। लेकिन कंपनी के केस में ओनर्स नहीं होता है, कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। इस सॉल्यूशन जो आप लोग पढ़े थे वो पार्टनरशिप का था, और ये आप लोग पढ़ रहे हो कंपनी का। तो यहां पर लिक्विडेशन वर्ड यूज करेंगे। कुल मिला के यहां पर, वहां पर भी फर्म बंद हो रही थी, यहां पर कंपनियां बंद हो रही है। ठीक है, तो वहां पर अपने को अकाउंट बनाने पड़ते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तो बनती नहीं थी, लास्ट में कैश अकाउंट बनाते थे। और यहां पर लिक्विडेशन हो रही है ना कंपनी की, तो यहां पर आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, एक स्टेटमेंट बना के बनाना पड़ता है। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये बनाना पड़ता है बस। हाँ, यही बस बनेगा। तो पहले ये समझ में आया आप लोगों को, कंपनी बंद होगी तो पहले एसेट्स को बेचेगी, बेचने से जो पैसा आएगा लायबिलिटी का पेमेंट करेगी, जो पैसा बच जाएगा उससे शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी। बस ये सिंपल सा फंडा है इस चैप्टर का। तो ये पूरा काम करने के लिए, ये पूरा काम करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है
उस बंदे का नाम होता है लिक्विडेटर। एक आदमी को बुलाते हैं ये पूरा काम करने के लिए, क्योंकि कंपनियों की बात हो रही, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये पूरा लीगल मैटर होता है। तो लीगल मैटर को देखने के लिए एक इंसान को बुलाया जाता है, वो कौन होता है? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर आता है, पूरी एसेट्स को बेचेगा, पूरी लायबिलिटी को पेमेंट करेगा, और जो बच जाएगा पैसा वो किसको देगा? शेयर होल्डर को। अब लिक्विडेटर आएगा तो फ्री में आएगा क्या? नहीं, ये प्रोफेशनल होते हैं। तो ये आएगा ना जब कंपनी में, ये सब काम करेगा, तो इसके बदले इसको क्या दिया जाएगा? इसका कमीशन दिया जाएगा। बता रहा हूं, इसको क्या दिया जाएगा? कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन। अब राशिद, आपका सवाल यह है कि लिक्विडेटर को अपॉइंट कौन करता है? डिपेंड करता है कि कंपनी बंद हो रही है तो कैसे बंद हो रही है। अगर कंपनी खुद से बंद हो रही है वॉलेंट्री बेसिस पे, या फिर कोई लॉ के तहत बंद हो रही है, या फिर कोई कंपनी को कोई लॉ या किसी एक्ट के तहत बंद करवाया जा रहा है, तो उस केस में अपॉइंटमेंट उसका उस प्रकार से होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब नहीं आया समझ में? हाँ बोलो। तो देखो, मेरा बोलने का मतलब है, हम इस चैप्टर को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, एक है थ्योरिटिकल पार्ट और एक है प्रैक्टिकल पार्ट। आपके क्वेश्चन बनाने के समय उसके अपॉइंटमेंट का मुद्दा नहीं रहेगा, हमारा मुद्दा रहेगा कि हमको सारी चीजें लिक्विडेटर जो है अपॉइंट हो चुका है, कंपनी बंद हो रही है, एसेट बेचना है, अपने को खाता बनाना है। क्या बनाना है? खाता, अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में? अपने को, हम लिक्विडेटर है मान के चलो, और हमको ये काम करना है। अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, कंपनी कैसे बंद हुई, वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो थ्योरिटिकल पार्ट। क्लियर है? देखो, तो लिक्विडेटर आता है, एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटी को पेमेंट करेगा, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो किसको देगा? शेयर होल्डर्स को देगा। और ये सब काम करने के लिए लिक्विडेटर क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है, मतलब कंपनी उसको कमीशन देगी। चलो, कमीशन देगी। तो हम धीरे धीरे एक एक चीजों का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहली बात एसेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एसेट्स। एसेट्स भाई, आपको तीन टाइप के एसेट देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगा कैश या फिर बैंक, एक मिलेगा कैश या फिर मिलेगा क्या? बैंक। इसका मतलब क्या है कैश और बैंक? ये ऑलरेडी रियलाइज्ड है। कैश को और रियलाइज करने जाओगे क्या? बैंक में पैसा पड़ा होगा तो निकाल के ले आओगे। तो लिक्विडेटर इस अमाउंट पर मेहनत नहीं करता है, लिक्विडेटर इस अमाउंट पे मेहनत नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी रियलाइज्ड है। सेकंड, एएसपी, एएनएसपी, दो नाम लिखा मैंने, क्या क्या? एएसपी और दूसरा मैंने लिखा एएनएसपी। मतलब कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो कहीं पे गिरवी रखे हुए होंगे। क्या होंगे? गिरवी रखे हुए होंगे, तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। क्या बोलेंगे? प्लेस्ड मतलब गिरवी रखे हुए एसेट्स, गिरवी। ठीक है। और दूसरे एसेट्स होंगे एएनएसपी, मतलब एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, गिरवी एसेट्स। तो एसेट को मैंने तीन टाइप में, तीन कैटेगरी में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। पहला कैश या बैंक जो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, दूसरा एएसपी जो एसेट्स कहीं पे गिरवी रखे हुए हैं, और तीसरा एएनएसपी जो ऐसे एसेट जो कहीं पे गिरवी रखे हुए नहीं है। देखो,
कैश और बैंक का तो पैसा ऑलरेडी रियलाइज्ड है, उसको लिक्विडेटर और रियलाइज करने जाएगा नहीं। एएसपी जो है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, इस अमाउंट के साथ लिक्विडेटर क्या करेगा पता है? जैसे फॉर एग्जांपल बैंक लोन है 10 लाख का, बैंक लोन है कितने का 10 लाख का। बैंक से जब लोन लिए थे ना तो हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसको हमने गिरवी रख दिए थे, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 12 लाख रुपए। तो ये बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है कि नहीं है? और बिल्डिंग जो है वो किसके पास गिरवी रखी हुई है? बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। तो इस बिल्डिंग को मैं बोलूंगा एएसपी। क्या बोलूंगा मैं? एएसपी, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब जब बिजनेस बंद हो रहा है तो अपन क्या करेंगे? बिल्डिंग बेचेंगे। मान लो बिल्डिंग को बेचने से 12 लाख रुपए मिला, तो 12 लाख रुपए आप रख नहीं सकते, 12 लाख रुपए आप रख नहीं सकते, क्या करोगे? 12 लाख में पहले बैंक का लोन पे करोगे, बचेगा कितना पैसा? वो 2 लाख रुपए आप दूसरे काम में यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कार है, मान लो फाइनेंस की हुई है, ठीक है, जब मैं लिया था तो मैंने उसके ऊपर 5 लाख रुपए फाइनेंस करवाए थे, तो आज के डेट में लगभग 2.5 लाख रुपए बचा है देने का। अब मान लो मैं कार बेच देता हूं, तो सबसे पहली बात तो बेच नहीं सकता क्योंकि क्यों, फाइनेंस्ड है। अगर बेचने जाऊंगा, ऐसा हो गया मान लो सौदा, बैंक वाले से परमिशन ले लिया, जो कर लिया, तो मेरे को कार को बेचने से मान लो 5.5 लाख रुपए मिलेगा, तो सबसे पहले तो उस 5.5 लाख में मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2.5 लाख रुपए का लोन देना पड़ेगा। उसके बाद जो 3 लाख रुपए बचेगा उसको मैं यूज कर सकता हूं। तो ये एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सबसे पहले उसको जो एसेट रखी हुई होती है ना, उससे जो सिक्योरिटी दी हुई है उसको पहले पे करना है, बाद में जो बचा हुआ पैसा है वो क्या करेंगे, हम दूसरे जगह यूज कर सकते हैं। हाँ बताऊंगा, जब हम उसके बारे में बताऊंगा, जब मैं लाइबिलिटी में आऊंगा तब, जो आपका सवाल है ना, तब मैं बताऊंगा, लाइबिलिटी जब पढ़ेंगे तब। 3 कंडीशन हो सकती है जो आप पूछ रहे हो ना, 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी कि जितने का एसेट है लोन पे कर दिए, एक्स्ट्रा पैसा बच गया तो उस पैसे को दूसरे जगह यूज कर सकते हो। दूसरा इक्वल इक्वल हो गया, जितने का लोन है उतने की एसेट थी, यहां कुछ बचने वाला सवाल नहीं है। तीसरा हो सकता है कि जितने की एसेट थी उससे लोन की अमाउंट, सॉरी जितने की एसेट थी उससे लोन की अमाउंट ज्यादा है, तो बाकी के ऊपर का पैसा क्या करेंगे? तो उस केस में मैं आप लोगों को जब लाइबिलिटी पढ़ेंगे तब बताऊंगा, क्लियर है? थर्ड नंबर का, थर्ड टाइप का एसेट होता है एएनएसपी, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, मतलब ऐसा एसेट जो कहीं पर गिरवी नहीं रखा हुआ है। तो इससे जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे? ये तो पूरा फ्री है, मतलब यहां से जो पैसा आया, यहां से जो पैसा आया इस पैसे को लिक्विडेटर इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा वैष्णवी? लायबिलिटी लोगों को पे करेगा। तो मैंने एसेट्स को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया? 3, पहला कैश और बैंक एएसपी और दूसरा एएनएसपी। चलो अब अपन बात करेंगे लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज लाइबिलिटीज नींद आ रही है तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक, देखो लाइबिलिटीज जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन,
और लास्ट में शेयर होल्डर्स। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल में भी शेयर होल्डर दो टाइप के होंगे, एक होता है प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स और क्या होगा तो मैंने लायबिलिटी को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, देखो ध्यान से। पहला सिक्योर्ड, दूसरा लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, तीसरा प्रिफरेंशियल, चौथा अनसिक्योर्ड, पांचवा शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स में भी दो टाइप के शेयर होल्डर, एक होता है प्रिफरेंस शेयर होल्डर तो दूसरा क्या होगा इक्विटी शेयर होल्डर। चलो एक एक करके अपन इसको भी देखते हैं। जैसे मैंने एसेट्स को क्लासिफाई किया ना, वैसे अब अपन लायबिलिटी को क्लासिफाई किए, क्योंकि ये सारी चीजें कहां दिखेगी मालूम है आप लोगों को, LFSA में, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले लेते हैं अपन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ध्यान से सुनना, मान लो एक बिल्डिंग है, मान लो आपने एक बैंक से लोन लिया, कितने का 10 लाख का लोन लिया, और बैंक से लोन लिया तो आपने लोन लेने के समय बिल्डिंग को क्या करवा दिया, प्लेज करवा दिया। क्या करवा दिया, प्लेज मतलब एज अ सिक्योरिटी दे दिया। तो ये जो बैंक लोन है हमारा क्रेडिटर है कि नहीं, मतलब हमको इसको पैसा देना है कि नहीं देना है, तो सिक्योर्ड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बिजनेस से इसका पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो बिल्डिंग बेच के वसूल लेगा वो हमारे से, तो ये बैंक का लोन जो है वो क्या कहलाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लोन है ये सिक्योरिटी लेके रखा हुआ है अपने साथ में, ठीक है हाँ। और ये जो एसेट है ये क्या कहलाएगी, एएसपी कहलाएगी। ये एसेट क्या कहलाएगी, एएसपी। चलो देखो इधर 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 बात नहीं भाई। तो यहां पर आप लोग एक चीज समझ गए, एएसपी का और सिक्योर्ड क्रेडिटर का आपस में लेन देन है कि नहीं, मतलब ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, एएसपी। लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या बोलोगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर आपका बैंक लोन किसी सिक्योरिटी देके लेके रखे हो तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएगा, और जो जिस सिक्योरिटी के लिए आपने एसेट देके रखी उस एसेट को हम क्या बोलेंगे, एएसपी बोलेंगे, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। क्लियर है, अब सुनो। तो आपका जो सवाल था, यहां पर तीन कंडीशन बन सकती है, क्या क्या तीन कंडीशन बन सकती है, इफ सिक्योर्ड क्रेडिटर is less than ASP, secured creditor की जो amount है वो किससे कम है, ASP से, मतलब secured creditor की amount मतलब ASP को आप बेचे, assets specifically pledged को आपने बेचा, payment किसको कर दिए, secured creditor को कर दिए,
तो ये जो बचा हुआ अमाउंट आएगा, बैलेंस अमाउंट, इस अमाउंट का क्या करोगे? टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ अदर लाइबिलिटी। तो यहां पर मैं इसको सरप्लस नाम दे दूं, सरप्लस, अगर नाम अगर ये आ गया तो इसको क्या बोल सकते हैं? सरप्लस बोल सकते हैं। सेकेंड, इफ, हाँ मैं यहां लेता, सिक्योर्ड क्रेडिटर इज इक्वल टू एएसपी, यहां पे बैलेंस कुछ बचेगा क्या? तो बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। थर्ड सिचुएशन, इफ सिक्योर्ड क्रेडिटर की अमाउंट क्या है? एएसपी से ज्यादा है, तो क्या करेंगे? एएसपी सिक्योर्ड क्रेडिटर की अमाउंट, अब नीचे जो अमाउंट आएगी वो कैसे आ जाएगी? निगेटिव आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। अब क्या करेंगे? मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लगे हाथ। एएसपी था 12 लाख रुपए, सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का था? 10 लाख, तो 2 लाख क्या बच गया? ठीक है, ये था 10 लाख, ये भी था 10 लाख, यहां कितना बचा? जीरो। ये था 10 लाख, ये हो गया कितना? 12 लाख, तो यहां 2 लाख रुपए क्या हो गया? मतलब अभी भी बैंक का लोन नहीं चुका पाए, बिल्डिंग बेचने के बाद भी, तो इस 2 लाख रुपए का क्या करोगे? टू बी ट्रीटेड एज टू बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर का पूरा फुल पेमेंट हो जाता है तो सिक्योर्ड कहलाएगा, किसी कारण से नहीं हो पाता है तो इसको अब इस ग्रुप से उठा के कहां डाल देंगे? अनसिक्योर्ड वाले ग्रुप में ले लेंगे उसको, जो नहीं पेमेंट हो पाया उतने वाले पार्ट को, जो पूरा जो पेमेंट हो गया वो तो सिक्योर्ड था। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लाख तक सिक्योर्ड था, 2 लाख तक नहीं था, तो जो 2 लाख वाला पोर्शन है उसको क्या मानोगे? इसलिए मैंने एरो 2 लाख के सामने बनाया है। ठीक है आकाश, यहां समझ में आया डाउट आपका? तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बता दिया? सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है समझा दिया। नेक्स्ट, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ये जो जिसको हमने बुलाया है ना, इसको जो हमने बुलाया है, ये लाल दुपट्टा ये लिक्विडेटर है, ठीक है, स्त्री स्त्री। तो ये जो लिक्विडेटर है ना, ये जो काम कर रहा है बेचारा पूरा, वो फ्री में काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होने के बाद सेकेंड आदमी है जिसका पेमेंट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, इसको पे करेंगे। मैं एक नाम भूल गया लिखने का, लिख देता हूं अभी, एक नाम भूल गया था मैं लिखना, अभी लिख दे रहा हूं। डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो देखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट कर दिए, अब बात किसकी आती है? लिक्विडेटर के रेमुनरेशन की। पूरा एक क्लास खाएगा वो, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरी एक क्लास खाएगा उसको समझाने में मेरे को। मतलब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट अगर करना है तो अलग अलग कंडीशंस रहती है क्वेश्चन में,
तो पूरी एक क्लास लगेगी इसको समझाने में मेरे को, ठीक है। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन का मतलब मैं अभी बता दे रहा हूं, उसका मतलब क्या होता है, लिक्विडेटर को हम क्या कर रहे हैं, उसके मेहनत का पैसा दे रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन में अलग अलग सिस्टम रहता है, मतलब पॉइंट्स दिए रहेगा कि लिक्विडेटर को कमीशन दिया जाएगा जितनी एसेट बेचा उसका 5%, लिक्विडेटर को पेमेंट दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा जितने शेयर होल्डरों को पेमेंट करेगा उसका 10%। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स लिखे रहेंगे, उसकी उस केस में कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बात है, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को निपटाना है, उसके बाद लिक्विडेटर का रेमुनरेशन देना है, उसके बाद किसको पेमेंट करना है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। मैं तो है ना जब ये चैप्टर पढ़ रहा था ना, तो मैं ना दिमाग में क्या रखता था मालूम है, लंगर चल रहा है कहीं पे और सब लाइन लगा के खड़े, तो सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा रहेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, जो घर से डब्बा लेके आया और जान पहचान वाला आदमी है। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, जो घर से डब्बा लेके आया और जान पहचान वाला आदमी, इसलिए उसको आगे खड़े करा दिए डब्बा पकड़ा के। अब जैसी पेमेंट कर रहा है मतलब लिक्विडेटर सबको, डब्बा भर गया, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा, डब्बा में और डालने का बचा है, चल जा पीछे दोना लेके खड़े हो जा। आई बात समझ में। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जब तक उसका डब्बा नहीं भरेगा तब तक लेके जाएगा, और डब्बा भर गया और चाहिए उसको, भाई तू जा अनसिक्योर्ड वाले के साथ खड़े हो, अब कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। इतनी बात समझ में आई। अब लिक्विडेटर खुद अपने लिए जुगाड़ रखेगा, भाई सबको बांट दूंगा, मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। हलवाई लोग करते हैं ना कुछ घर में, उन लोग अपने लिए थोड़ा बड़ा आलू बुंडा भजिया मिठाई विठाई अलग। तो आप वही तो मेरे को वो सिचुएशन पहले याद आता है। तो लिक्विडेटर कौन है, वही है, वो अपने लिए अलग से व्यवस्था कर लेगा पहले ही। उसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको इनवाइट किए हो, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, चलो दादा आप आगे, हाँ जिनको देना प्रिफरेंस देना, जिनको ये प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर की लाइन आगे लगी है, ठीक है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है। अब कौन कौन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, 5 नंबर का शॉर्ट नोट पूछता है पेपर में, थ्योरी क्वेश्चन भी है। तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कौन होगा, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे वर्कर लोग काम करे तो उनकी सैलरी, गवर्नमेंट का टैक्स, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे कौन आएगा, डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब ऐसे जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, जो कोई प्रिफरेंस भी नहीं रखते, ना डिवेंचर होल्डर वाले हैं, तो सब कहां चले जाएंगे बेचारे लोग, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। वैसे लाइन लगी हुई है। अब जब भंडारा चलते रहता है तो पहले जो भंडारा करवा रहे हैं कोशिश करते हैं कि बाहर वाले खा ले, फिर देखेंगे अपन अपना कर लेंगे। तो लास्ट में कौन आते बेचारे लोग, लास्ट में कौन आएंगे, शेयर होल्डर्स। तो अब शेयर होल्डर के भी घर में ऐसे लोग हैं कि जो थोड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, लो आप लोग खा लो पहले, फिर देखेंगे बाद में अपन खाएंगे। तो शेयर होल्डर्स लोग पहले किसको खिलाएंगे, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर लास्ट में बचेगा जो भी, वो कौन किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स वालों को। तो ये सिक्वेंस आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब अपन LFSA बनाएंगे ना तो उसमें ये सारी सिक्वेंस आपको मेंटेन करना है। किसी को भी आगे पीछे करके पेमेंट कर दी तो आंसर नहीं आएगा, गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, आप लोगों की अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई है, कॉस्ट की, कॉर्पोरेट की, स्टेटिस्टिक्स की, मेरे तरफ से बैकअप देना में डिले हो गया है, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी उसका बैकअप दे दूंगा, ठीक है। अभी तक बहुत सारी चीजें मैंने अपलोड नहीं की है, मैं डाल दूंगा उसमें, रुक जाओ। इतनी बात समझ में आई। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, सुनो इधर इधर इधर, कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं,
हम LFSA का फॉर्मेट क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद कल की ही क्लास में अपन देखेंगे प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, फिर अपन देखेंगे क्या लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आगे का देखेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड।